नमस्कार दोस्तों, बायजू का ग्लोबल एम्बेसडर मेस्सी को बना दिया गया है, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है क्योंकि यह एक इंडिया का ब्रांड है। यूज एक इंडिया की एजुकेशनल ऐप है जो आपको आपको पता है इसका ऐप का? बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। उनकी ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बनाए होते हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो क्रिकेट में आपने उनकी जो क्रिकेट टीम है उसकी शर्ट पे देखा? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली क्रिकेट में, बाकी फुटबॉल में या जितनी भी उनकी जो नेशनल लीग्स होती है उसमें भी वो। ठीक है, अब उन्होंने ग्लोबली एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मेसी को, जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर है फुटबॉल के दुनिया में। अगर टॉप 5 प्लेयर की बात कीजिए तो उनमें आते हैं, क्या वजह समझते हैं? और दूसरी साइड पे पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर स्पॉन्सरशिप करवाई जाती है तो कोई आपको हाउसिंग सोसाइटी नजर आती है, कोई शैम्पू का ऐड नजर आता है, कोई मोबाइल का, वो भी चाइना का मोबाइल, अपना पाकिस्तान का मोबाइल नहीं होता। क्या वजह कि हम एजुकेशनल ऐप्स को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? इंडिया अगर कर रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? असल में इंडिया जो है वो एक तीर से जो है ना, उनके दो शिकार चल रहे हैं। ठीक है, पहला तो देखें, वो ये काम कर रहे हैं कि एक तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं इस ऐप को प्रमोट करते हुए, ठीक है, और दूसरा वो साथ बिजनेस भी है। ठीक है, बिजनेस भी है, बट उस बिजनेस के होते हुए बेसिकली एजुकेशन प्रमोट हो रही है। मतलब एक चीज, एक तीर से फिर दो नहीं तीन शिकार हो गए ना, एक तो बिजनेस कर रहे हैं, एक अपनी ऐप को प्रमोट, एजुकेशनल ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तीसरा पब्लिक को फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी देखें आप ये चीज देखें, बहुत सारे अच्छे इदारे के लोग जो हैं वो पढ़ने वाले, मैं हूँ जैसे, तो फिजिक्स की बहुत सारी तगड़े लेवल की जो किताबें हैं वो इंडियन ऑथर की लिखी हुई है, पाकिस्तानी नहीं है, पढ़ने के काबिल नहीं है, मतलब वो एज अ लाइक कहते हैं ना तशरी लास्ट लेवल की लिखी किसी की। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे उनकी ऑथर की किताबें इतनी जबरदस्त किस्म की है, और देखें आप वो कम्पीट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि इंडिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग ब्रांड वैल्यू समझते हैं, वो लोग सबसे पहले अपने ब्रांड बनाते हैं और फिर दुनिया के बड़े बड़े स्टार से उस ब्रांड का ऐड करवाते हैं, जिससे उनका देश का नाम भी बढ़ता है और उनका ब्रांड का वैल्यू भी बढ़ता है। इतनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं, तो ये उनके लिए तो एक बड़ी, यानी कि एक आप कह लें कि एक एक तरक्की का एक अचीवमेंट है। तो अब उस हवाले से पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान वाले तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटियों की मशहूरी के लिए शर्टों के ऊपर लिखवा देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी मतलब इस तरह के जो है ना अच्छी चीजों में फॉलो करना चाहिए अपने नेबर को, मतलब अगर वो किसी चीज में वो ग्रो कर रहे हैं तो हमें भी उनको उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो हमारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम फिजिक्स की बुक्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा सालों पुरानी जो है वही चल रही है, न्यू जो कोर्स है वो भी नहीं लाया जा रहा। आप फिजिक्स की बात कर रही हैं? जो टोटली कोर्स है वही बहुत डिफरेंट, बहुत पुराना चल रहा है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो उनका हर साल न्यू कोर्स आता है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो सिलेबस होता है ना वो वक्त के तकाजों को पूरा करना चाहिए, वो वक्त के साथ। दोस्तों बायजू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के एक छोटे से शहर से स्टार्ट हुआ ये ऑनलाइन कोचिंग सेंटर आज दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक जाइंट बन चुका है। ये दुनिया के सभी डेवलप्ड देशों में उपलब्ध है। इसकी वैल्यूएशन करीब अभी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये अभी फीफा वर्ल्ड कप का मेन स्पॉन्सर भी है और इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर पार्टनर भी है। इंडिया के हर एक गली कूचे कहीं भी जाइए आपको बायजू क्लासेज मिल जाएंगे और ऑनलाइन अवेलेबल तो है ही। ये दुनिया के बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पता, मेसी एक ऐसे फुटबॉलर हैं, बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, जिन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है इंडिया का एक एजुकेशन ऐप बायजू, जो आपको पता होगा इंडियन क्रिकेटर्स की शर्ट पे लिखा हुआ होता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। क्या कहोगे सर? ना करें। हाँ ऐसा ही बता रही हूँ, मुझे खुद बहुत बड़ा झटका लगा कि मेसी, मतलब मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे लिए बहुत बड़े नाम है। मेसी जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, एक फुटबॉलर है, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, बहुत से कौन नहीं जानते एग्जैक्टली, वो बन गया ब्रांड एम्बेसडर उस एजुकेशनल ऐप के। तो पहले तो आप हैरान एक्सप्रेशन जो किस एजुकेशन ऐप? इंडियन एजुकेशन ऐप जो बायजूस है उसके, इंडियन के। हाँ जी हाँ, वो इंडियन एजुकेशन जो ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ग्लोबली। मुझे बताएं किस तरह देखना आप इस खबर को? जी तो पहले ये हजम नहीं हो रहा कि मैसी एक जगह, इंडिया एक जगह, मतलब कैसे इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। मेरे लिए भी काफी शॉक, इंडिया क्या मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन अब क्या, अब तो मतलब आप समझ लेना कि अब लेवल अप कर लिया इंडिया ने। हाँ ये तो बनता है वैसे, फिर हमें क्रिस्टियानो को पकड़ना चाहिए। आपको लगता है नाम? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो जब भी उनकी शर्ट्स देखने को मिलती हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है पैन टीम की स्पॉन्सरशिप है या हाउसिंग सोसाइटीज की स्पॉन्सरशिप है। यही बात की जाए अगर इंडिया की, तो उनकी एक लर्निंग ऐप है बायजूस, जो कि उनकी शर्ट्स पर लिखा होता है कि वो इस चीज की क्या करें कि स्पॉन्सरशिप करें, लोगों को बता रहे हैं कि ये एक लर्निंग ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करें और आप इसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्यों पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं वो सोचते नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कुछ बेनिफिट दे अवाम को और लिटरेसी रेट इंक्रीज हो? आपने पहले तो बात, आपने क्रिकेट की बात की है, आपने वर्ल्ड कप में किट देखी थी? तरबूज, ठीक है, कोई किसी ना काम की किट, फजूल तरीन किट, ठीक है। हम पर्सनली बींगा पाकिस्तानी वहाँ, हम उनके किट देखे, बहुत कह के मार मार के सहते, इतना कसे के हमारी पसली में दर्द होने लगती, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आपने इंडिया की बात की, इंडिया की तो देखा जाए उनके असल में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ठीक है, जिम्मेदार लोग हैं, उनको पता होता है हमारे सर पर जिम्मेदारियाँ हैं,
ठीक है, अपनी देखे आपने जैसे बात किया प्लेयर अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक ये मेन समझ ना, एक माँ बाप की जिम्मेदारी से बड़ी नहीं, जिम्मेदारी है। शाहरुख खान पहले पूरे एशिया का ब्रांड एम्बेसडर था, जबकि अब लियोन मेसी पूरे वर्ल्ड का ब्रांड एम्बेसडर है। मोदी सरकार छोटे बड़े सभी स्टार्टअप को सपोर्ट करती है, तभी आज इंडिया के स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहे हैं।